सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस, पिक्सआर का। ये माइनक्राफ्ट प्लस आर का कॉम्बिनेशन। सो गाइस, पिक्सआर के पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा, मैंने जो ना गाइस दो रैप्टर टेम करे थे, एक मेल और फीमेल, और उसमें से एक फीमेल रैप्टर जस्ट घर पे मैं इसको लेके आने वाला था, पूछ ही गए थे, उतने में एक भाई मैजिकल क्रीचर आ गया, मॉन्स्टर वो विच, और मेरे भाई प्यारे से नन्ने से मुन्ने से भाई फीमेल रैप्टर को मार के चली गई यार वो बीज। उससे बदला तो हम लोग लेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या करने वाले वो बताने से पहले जुड़े बंदे होंगे, फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोग को आर्क पीसी आर्क मोबाइल माइनक्राफ्ट वगैरह के सर्वर बनाने, नीचे डिस्क्रिप्शन में निट्राडो का लिंक है, वहाँ से आप लोग बना सकते हो। सो जरूर से निट्राडो सर्वर को चेकआउट कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। ये चीज़ क्या है, ये क्या है भाई, टेम्पल फीमेल स्पाइडर रुइंस। अरे स्पाइडर की बच्ची, तेरी फाड़ दूंगा कच्ची। यहाँ पे कुछ तो लूट छूट है क्या? ओई लूट दिख रही है मुझे, पुट से हेड शॉट, पुट से हेड शॉट। न्यूब न्यूब रुइन स्पाइडर, मार नहीं पा रही है मेरे को। मैं तो तेरे को मार पा रहा हूँ, मैं तो तेरे को मार पा रहा हूँ भाई, इजी पीजी भाई। इस रुइन स्पाइडर की जो ना गाइस, मैं यू आर बी ट्रैंकुलाइज। अब भाई ये टॉर्पोर दे रही है, गद्दारी कर भाई, चीटिंग चीटिंग करता गाइस। ये बेहोश होने से पहले मुझे पीछे हटना है गाइस, इसने मुझे टॉर्पोर देना शुरू कर दिया है। बस बस बस, अबे यार मरने वाले, बस मर जा हाँ मर जियो। ठीक है, एक और स्पाइडर यहाँ पे, और सामने मुझे जो है ना गाइस कुछ तो वो दिख रही है, चेस दिख रही है, उसी को लूटने के लिए जाऊंगा। मेरे को पहले मीट को हार्वेस्ट कर लूँ मैं फटाफट से। देख रहे हो गाइस, मैं अंदर जाना नहीं चाहता, मुझे पता नहीं अंदर क्या क्या भाई खतरे है। सो इसलिए थोड़ा संभल के गाइस, मैं यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए तो खेल रहा हूँ। इसमें कुछ है, ओ वॉट पॉलीमर, हाउ, छोड़ो भाई चेस लूटो। इसमें क्या भाई, पॉलीमर, इन चेस्ट में पॉलीमर मिल रहा है सच में। ऊपर क्या है, पिरामिड के ऊपर की वे इसकी। स्पाइडर घूम क्या, मैं चेस्ट लेके निकल लेता हूँ। और ले 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 स्पाइडर, क्या हो गया, उई बाबा। हाँ ले 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 स्पाइडर, क्या हो गया, इजी पीजी भाई, इजी पीजी। निच्चू, ओए निच्चू ट्रैप शॉप है, डंग बिटलवा बिंटलवा है भाई। ठीक है रुको, निकल लेता हूँ मैं यहाँ से। वैसे आज क्या करने वाले, मैं जा रहा हूँ गोल्ड लेने के लिए, ताकि मैं लावा रॉक की जो गाइस वॉल है ना वो बना सकूँ। पहले देख लूँ मुझे क्या क्या मिला। मैंने भाई पिरामिड को रेड मार दिया। वैसे मिला क्या मुझे, ये चीज़ भाई ड्रॉप करो, ये जो चीज़ मिली इनको ड्रॉप कर लूँ पहले तो। बुलेट्स मिली हैं, आयरन बोन हेलमेट, और मुझे ना पॉलीमर मिल गया यार, अच्छी बात है पॉलीमर मिला। वैसे मैंने सोचा नहीं था मुझे पॉलीमर भी मिलेगा। पॉलीमर कहाँ से मुझे सबसे ज़्यादा मिल सकता है, कौन से डायनो को मारने से ना, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। इसमें मैंटिस वगैरह होते हैं कि नहीं ये मुझे कुछ खास पता नहीं है वैसे। ओके, और अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल के लिए गोल्ड जो है ना गाइज वो लेने के लिए, क्योंकि गोल्ड ही पिघला के हम लोग गाइज यहाँ पे आज इस एपिसोड में जो हमारा अंडरग्राउंड बेस है वो बनाने के लिए जितना भी सारा सामान चाहिए, वो सारा का सारा सामान जो है ना गाइज बनाने वाले। उसके लिए मुझे गोल्ड की फाउंडेशन वो चाहिए होगी, वॉल चाहिए होगी, बैम्बू की वॉल चाहिए होगी। बैम्बू की वॉल के लिए बैम्बू हमको मिला ही नहीं है यार अभी तक। बैम्बू फॉरेस्ट में जाके बैम्बू भी मैं इकट्ठा करके लेके आऊँगा, बट हम लोग जो है ना कैसे भी हमारा अंडरग्राउंड बेस जो है गाइज वो बनाने का सारा सामान जो है गाइज वो इकट्ठा कर रहे हैं, सिंपल सी भाषा में अगर बोला जाए तो। एंड वेयर इज दैट गोल्ड माइन, पीछे तीन खोपड़ी वाला भाई यहाँ पे, डॉगी पीछे पड़ जाएगा, थोड़ा संभल के, तीन खोपड़ी वाला डॉगी पीछे पड़ जाएगा, पड़ गया भाई। जाना किधर है, ओ चलना रे तीन खोपड़ी वाले डॉगी, क्या गुंडा बनेगा रे तू, इग्नोर मारना थोड़ा भाई। ओ ये रही मेरी गोल्ड माइन के अंदर जाने की एंट्रेंस, वो रही ठीक है।
बल्ले दे बल्ले, शावा दे शावा। पूछ गया गाइस अंदर, भर भर के गोल्ड लेके जाना है हमको, यहाँ से भर भर के गोल्ड लेके जाना है। जब तक हमारी इन्वेंट्री फुल नहीं होती है तब तक यहाँ से हम लोग जितना गोल्ड उठा सकते उतना उठा के लेके जाएंगे। ओनली गोल्ड, हम लोग सिर्फ गोल्ड लेने के लिए अभी यहाँ पे फिलहाल के लिए आए हुए हैं, और मैं यहाँ से काफी सारा गोल्ड लेके जाऊंगा। जंप कर पा रहा हूँ ना मैं, इतना भी गोल्ड नहीं उठाना है कि मैं जंप भी ना कर पाऊँ। ठीक है, कर पा रहा हूँ। ओके, एक दो और बस, ठीक है ना, एक और हो गया। अभी फालतू चीज़ें मुझे फेंकने दो, फालतू की चीज़ें जो मुझे मिली है वो फेंकने दो, ताकि थोड़ा सा। ओ, ग्रैपलिंग हुक मिल गया मेरे को, वाओ ड्यूड, नाइस नाइस। चलो चलो, जितना गोल्ड गाइस मैं उठा सकता था मैं उठा के लेके जा रहा हूँ। भाई गोल्ड ही ऐसा गाइस एक चीज़ है। ओके भाई, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही खतरा है। ओके सो गाइस, गोल्डी गोल्ड और शार्प क्रिस्टल, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग भाई पूरी इन्वेंट्री भर के लेके नहीं जा सकते, क्योंकि एक ज़मीन के एकदम अंदर मिलती है और वहाँ से हम लोग वांड के ऊपर बैठ के डायरेक्टली ऊपर नहीं आ सकते। इसलिए हमारी इन्वेंट्री जो ना गाइस जितनी भाई हैवी होने से पहले जितना हम लोग उठा सकते उतना उठा के हम लोग को निकल लेना है सीधा, वरना जो ना गाइस यहाँ पे हम लोग गुफा के अंदर ही फंस के रह जाते हैं। चलो, मैंने लगभग 300 गोल्ड यहाँ से उठा लिया, इसको मैं पिघलाने के लिए डाल देता हूँ। बैम्बू फॉरेस्ट, तो हम लोग बैम्बू जो है वो हम लोग को फॉरेस्ट में मिल जाएगा यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे बैम्बू मिल जाएगा मुझे। बाय द वे बैम्बू लेके जाता हूँ, रुको, बैम्बू की भी फाउंडेशन में बनाने वाला हूँ। वैसे ये फॉरेस्ट ही है ना, माउंटेन फॉरेस्ट, हाँ माउंटेन फॉरेस्ट। ओके, हाँ ये रहा बैम्बू, मैं बोला था भाई यहाँ पे बैम्बू होगा ही होगा। ये देखो गाइस, बैम्बू मिल चुका है, इन्वेंट्री भर भर के बैम्बू लेके जाता हूँ मैं यहाँ से। रुको, इतना बैम्बू लेके जाऊंगा ना, इतना लेके जाऊंगा किसी ने सोची ना होगी। ये लो 45 लियो बेटा, इन्वेंट्री भर के लेके जाऊंगा बैम्बू, पूरी इन्वेंट्री भर के। ऑलमोस्ट इन्वेंट्री भर ही गई है वैसे, ऑलमोस्ट इन्वेंट्री फुल हो ही गई है, बट फिर भी और उठाऊंगा बैम्बू मैं। 120 गाइस बैम्बू टोटल उठा लिया है मैंने यहाँ पे, मैं और जितना भी उठा सकता हूँ उठाने की कोशिश करता हूँ। इजीली ऐसा उड़ के जाओ, बैम्बू तोड़ो, वापस से उड़ के जाओ, वापस से बैम्बू तोड़ो, वापस से उड़ के जाओ, ऐसे बैम्बू तोड़ो। फुल गाइस ओवरवेट हो चुका हूँ, बट टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के जितना बैम्बू इकट्ठा कर सकता हूँ करने की ट्राई कर रहा हूँ, फुल ट्रायड कोशिश। ठीक है, देख रहे हो पूरा ओवरवेट हो चुका हूँ, बट फिर भी वी आर ट्राइंग गाइस, वी आर ट्राइंग। कितना हो चुका है बैम्बू वैसे टोटल? बाप रे भाई, हद से ज़्यादा हो गया यार, तो हद से ज़्यादा हो गया। एक दो और बस, हाँ बस बस, खत्म खत्म खत्म, एक और बस, आखिरी बस, डन। चलो अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा हमारे घर पे, घर पे जाके सारी की सारी अंडरग्राउंड बेस बनाने के लिए हम लोग को फाउंडेशन वॉल वगैरह भाई जो भी बनानी होगी वो सारी की सारी बनाऊंगा। घर पे पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि घर हमारा जो है ना गाइस काफ़ी ज़्यादा दूर है, और ये रॉकेट वगैरह की मदद से भी जो है ना हम लोग उतने आसानी से वहाँ पे जल्दी से पहुँच नहीं पाते। मुझे कोई ऐसा डायनो टेम करना पड़ेगा जिसकी मूवमेंट स्पीड जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो। ओके चलो, अभी फिलहाल के लिए तो घर पे पहुँचते पहले। A few moments later. चलो गाइस, फाइनली हम लोग हमारे घर पे जो है वो आ चुके हैं। फटाफट से अभी मैं जो ना सीधा अपने स्मेल्टर के पास ही जाके लैंड करूँगा। इसके अंदर फ्यूल नहीं है, बैम्बू डाल सकता हूँ एज अ फ्यूल अभी के लिए ना। हाँ ठीक है, लाइट फायर। चलो ओके भाई, वुड लेके आ रहा मैं, वुड लेके आ रहा। रुको, बैम्बू डाल दिया भाई जल्दबाजी में मैंने वहाँ पे। रुक जाओ गाइस, मैं फटाफट से जो है ना यहाँ पे वुड डाल देता हूँ बैम्बू निकाल के। ओके, वहाँ पे गोल्ड जो है गाइस वो पिघलता रहेगा आराम से। एंड हाँ, ये भाई वुड ले लो भाई आराम से। चलो, बैम्बू वगैरह जो है गाइस वो सारे अभी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसके अंदर। ए यार, मेरे पास बैम्बू तो पड़ा हुआ था भाई, दबे सच में मेरे पास बैम्बू पड़ा हुआ था, मैं लेके आ गया था बैम्बू। मैंने खामखा भाई यहाँ पे बैम्बू जो है ना गाइस वो कर लिया, ग्रैपलिंग हुक वगैरह डाल देता हूँ, बाकी और कुछ नहीं डालना। ठीक है चलो, सो अभी हम लोग को जो है ना गाइस बनाना है लावा रॉक, बराबर। लावा रॉक कौन सी इसमें बनता है? यहाँ पे बनेगा आगे की तरफ,
इसमें बनेगा ना लावा रॉक, क्रिसमस ट्री बन रहा मेरे लिए भाई। फायर स्टोन पाउडर बनाऊंगा मैं, जरूर बनाऊंगा। ये डेकोरेशन विकोरेशन बाद में भाई, पहले यहाँ पे लावा रॉक, लावा लावा लावा। अबे कंस्ट्रक्शन हट में बनता है ना लावा रॉक बराबर, लावा 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 नहीं फायर। अबे यार क्या होता है वॉल, क्या नाम था उन वॉल का, उस वॉल का नाम क्या था लावा वाले, वॉल्केनिक रॉक वॉल, वॉल्केनिक वॉल्केनिक भाई वॉल्केनिक। हाँ जी, सो इसके लिए वॉल्केनिक रॉक क्यूब चाहिए मुझे एंड गोल्ड इनगट चाहिए बराबर। रुको आप भी देता गोल्ड इनगट भी एंड वॉल्केनिक रॉक का क्यूब भी। ये गोल्ड इनगट वॉल्केनिक रॉक जो है वो मैंने रखा हुआ है यहाँ पे गाइस। रुको वॉल्केनिक रॉक कहाँ रखा है। अबे भाई ये चमनगिरी क्यों होती है भाई कभी कभी। वॉल्केनिक रॉक यार, वॉल्केनिक मैंने वॉल्केनिक रॉक कहाँ रख दिया। मैं लेके तो आया था काफ़ी ज़्यादा वॉल्केनिक रॉक, आपको पता होगा हैं उस तरफ। हाँ ये रहा वॉल्केनिक रॉक क्यूब है ना ये, हाँ बराबर। चलो चलो जल्दी 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 इसकी अभी मुझे बना लेनी है भाई वॉल। आ मेरी जान 102 120, ठीक है। और चाहिए मुझे गोल्ड, गोल्ड भाई भर भर के है, गोल्ड का सीन नहीं है भाई। वॉल्केनिक क्यूब भाई हाँ डन। गोल्ड जो है वो मैंने डाल रखे, गोल्ड इनगट कहीं तो डाल रखे, गोल्ड 92 और गोल्ड कहीं पर डाल रखा है मैंने। गोल्ड इनगट में उठा उठा के यहाँ डालते रहता हूँ, नहीं यहाँ पर बाहर से लेके आना पड़ेगा गोल्ड इनगट। रुको कितनी चाहिए होगी वैसे मुझे वॉल यार, 15 बन गया ना भाई। काम करो यहाँ पे डाल दूँ, यहाँ पे गोल्ड है ना, यहाँ गोल्ड नहीं है यार। थोड़ा गोल्ड बनाने के लिए डालता हूँ ताकि जल्दी जल्दी पिघल जाए, मुझे लग रहा है कि थोड़ा एक्स्ट्रा गोल्ड लेके आना पड़ेगा। ओके थोड़ा एक्स्ट्रा गोल्ड लेके आना पड़ेगा। वॉल्केनिक वॉल बन चुकी है 200, बट मुझे नहीं लग रहा 200 वॉल से कुछ होने वाला है। 200 वॉल तो बन गई है गाइस यहाँ पे, बट इतने से खास कुछ होने वाला है लग नहीं रहा मुझे। वॉल जो है कि हम लोग सिमिलर नहीं लगाएंगे, 200 वॉल से कुछ होने वाला है। नीचे जाके काउंट करने दो। ओके सो काउंट डाउन 1 2 3 4 5 6 7। ओके 7 बराबर 1 2 3 4। अरे यार नहीं यार 70 तो यहीं पे लग जाएगी इतुसी जगह पे, 70 वॉल तो इतुसी जगह पे लग जाएगी हमारी। मुझे बहुत सारा गोल्ड चाहिए होगा यार, बहुत सारा गोल्ड, अनलिमिटेड गोल्ड चाहिए होगा। फाउंडेशन का कैसी है, रुको गाइस गोल्ड भाई बहुत ज़्यादा चाहिए होगा मुझे। फाउंडेशन कौन सी वाली लगानी है, मार्बल। हाँ ये वाली मार्बल फाउंडेशन काफ़ी बढ़िया लग रही है। और ग्लास भाई, ग्लास नहीं यार, सस्ते में बनने वाली बताओ मुझे, सस्ते में बनने वाली कुछ। इसके लिए भी मार्बल चाहिए ना, बैम्बू और मार्बल फाउंडेशन का हम लोग अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। बराबर, बैम्बू और मार्बल फाउंडेशन का एक अच्छा सा बन जाएगा हमारा कॉम्बिनेशन। ओके वो वाला और वो वाला काफ़ी बढ़िया कॉम्बिनेशन बनेगा। मार्बल्स कहाँ पे, बैम्बू पहले उठा लो मैं, बैम्बू भाई बहुत सारे पड़े हुए, बैम्बूज़ का सीन नहीं है कोई, बैम्बू का सीन नहीं है। बैम्बूज यहाँ पे भी मैंने रखे हुए थे कहीं पे, कॉपर फाइबर मार्बल्स भी है यहाँ पे वैसे। बैम्बू कहाँ रख दिया मैंने, बम्बू कहाँ पे भाई, बैम्बू नहीं रखे थे क्या, ये तो हमारी दूसरी चीज़ है सारी। सारा बैम्बू उठा लूँगा मैं यहाँ से, बट मिलना चाहिए कहाँ पे रखा है। मुझे लगा मैंने यहाँ पे बैम्बू इकट्ठा करके रखा है, बट यहाँ पे बैम्बू है ही नहीं कहीं पे मुझे। हाँ ये रहा, सारा बैम्बू उठा लेता हूँ मैं। और बैठो, चल तो पा रहा हूँ, नहीं चल भी नहीं पा रहा, अंदर डाल दो वापस से रिटर्न। अभी हाँ अभी चल पा रहा हूँ। रुको बैम्बू की बहुत सारी फाउंडेशन बनाता हूँ मैं, फाउंडेशन ज़्यादा नहीं चाहिए होगी, वॉल ज़्यादा चाहिए होगी। ठीक है गाइज वॉल ज़्यादा चाहिए होगी। रुको एक एक चीज़ बना रहा हूँ मैं,
फाउंडेशन बैम्बू, बैम्बू फाउंडेशन कितनी बन रही है? 1000। भाई 1000 मोर देन इनफ है यार, 1000 तो बहुत ही ज़्यादा हो गई, 1000 तो बहुत ज़्यादा हो गई फाउंडेशन गाइस यहाँ पे। 1000 भाई और बम्बू डाल डाल नहीं पा रहा इसके अंदर, नहीं ना भाई 1000 तो बहुत ज़्यादा फाउंडेशन हो गई। चलो मैं 2000 बैम्बू की फाउंडेशन बनाता हूँ और क्वार्ट्ज़ की जो ना गाइस फाउंडेशन बनाता हूँ। वॉल पे हम लोग लगाएंगे लावा रॉक एंड वॉल कौन कौन सी तरह की है भाई जरा एक बार देखने दो। वॉल वॉल में क्या क्या हम लोग को चीज़ें मिल रही है? लावा रॉक और ये ग्लास के लिए क्या चाहिए? आइस, ये क्या कौन सी चीज़ है? ग्लास के लिए तो अलग चाहिए होगा। मार्बल, मार्बल का भी अच्छा लगेगा ना, मार्बल बना लेता हूँ ना गाइस। मार्बल, मार्बल की वॉल स्टाइलिश वॉल है, कंस्ट्रक्शन हट में बनेगी, स्टाइलिश वॉल बना लेता हूँ मार्बल की फिल। ठीक है, मार्बल की स्टाइलिश वॉल बनेगी गाइस, मार्बल लेके आ रहा हूँ। रुको पहले बैम्बू की फाउंडेशन और बनाने दो, और भाई और बनाने के लिए डाल दूँ? ठीक है, मेरे घर के अंदर एक मॉन्स्टर घुस चुका है, कहाँ से कैसे है मेरे को पता नहीं, बट ना ये देखो इसकी भी इसकी है। बताओ अभी मैं इसका क्या कर सकता हूँ गाइस, हैं क्या कर सकता हूँ बताओ मुझे, मैं इसका भाई सीधा घर के अंदर घुस गया यार, बड़ा बदतमीज़ है भाई, चला गया। इज गॉन, ओ इज गॉन गाइस, इज गॉन, इज गॉन, इज गॉन, चला गया गाइस, वो चला गया भाई। दरवाजे पहले जब भी निकलूँ ना दरवाजे बंद कर लेने दो मुझे भाई, वो छत पे से भी आ सकते हो वैसे। कितना स्लोली स्लोली चल रहा हूँ यार मैं, इतना बैम्बू उठा रखा है क्या मैंने? अरे दो है ना कंस्ट्रक्शन है भाई, मैं भी चमन हूँ, यहाँ पे बनाने के लिए डाल देता हूँ 1000, हो गया काम 25। यहाँ पे 1000 और यहाँ पे 1000, ठीक है चलो डन। 2000 बैम्बू जो है ना गाइज वॉल बनने के लिए यहाँ पे मैंने डाल दिए। बैम्बू यहाँ पे रिटर्न जाने दो, मार्बल आने दो, मार्बल आने दो, बैम्बू यहाँ पे रिटर्न जाने दो, बैम्बू भाई रिटर्न, बैम्बू रिटर्न, मार्बल कम कम, ओके। सो मार्बल की कितनी फाउंडेशन चाहिए होगी? वॉल मैक्सिमम करके हमको मार्बल की चाहिए होगी काफ़ी ज़्यादा। मार्बल, मार्बल वॉल है, मार्बल फाउंडेशन है। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 नहीं बनेगी भाई, 1000। ठीक है, 1000 और यहाँ पे मार्बल के 1000 और 200, 300, 400, 500, 600, 800, 900, 1000 बराबर। स्टाइलिश वॉल है क्या? फाइन मार्बल वॉल, स्टाइलिश क्यों नहीं बन रही है? एक्सक्लूसिव स्टाइलिश वॉल, ये मार्बल की नहीं है, ये क्ले की है। फाइन स्टोन वॉल, फाइन मार्बल वॉल, लावा और आइस, आइस का कुछ है क्या? आइस वाली वॉल है, आइस वाली कुछ, फायर एंड आइस का कॉम्बो दे देंगे हम, नहीं है क्या? नहीं है, बैम्बू नहीं देना चाहूँगा मैं, एक काम करता हूँ ये क्ले वाली नहीं लगाऊंगा मैं, मार्बल की लगाऊंगा, मार्बल की वॉल लगेगी यहाँ पे। ठीक है, मैं थोड़ा और मार्बल लेके आता हूँ अंदर से, रुको। वॉल जो है ना गाइस वो बहुत ज़्यादा बनानी पड़ेगी हमको, जितना हम लोग सोच रहे उससे भी ज़्यादा हम लोग को वॉल चाहिए होगी। मैं फटाफट से यहाँ पे मार्बल की 1000 वॉल बनाने के लिए डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी 1000 मार्बल की नहीं बनेगी ना, मुझे थोड़ा मार्बल चाहिए होगा। मेन तो अभी ना फाउंडेशन का सीन हो चुका है, मुझे लावा वॉल जो है ना गाइज उसका थोड़ा सा सीन लग रहा है, उसके लिए मुझे गोल्ड काफ़ी ज़्यादा चाहिए। मार्बल ख़त्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, मार्बल चाहिए होगा थोड़ा और, यार थोड़ा और मार्बल चाहिए होगा। इन्वेंटरी में कुछ और सामान है? रुको, ये सामान यहाँ पे डाल दूँ मैं कुक करने के लिए, ओके। मार्बल लेके आना है इन्वेंटरी फुल करके, ओके गाइस मार्बल लेके आना है। मार्बल गाइस सामने ही मिल जाएगा हम लोग को, ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा मार्बल के लिए, तो सामने की तरफ ही गाइस हम लोग को मार्बल मिल जाना चाहिए, तो ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पे गाइस हम लोग को मार्बल मिल जाएगा। रुको गाइस, मैं जा रहा हूँ उस टेगो वगैरह नहीं होते गाइस उस वाले बायम में, वो बायम जो ना गाइस सामने की तरफ ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। कम ऑन, ये रहा वो रहा सामने, वो रहा सामने गाइस, वहाँ पे मुझे
मार्बल ढूंढ लेने। अभी मार्बल जो है गाइज वो मिलेंगे कि नहीं पता नहीं, मिलने तो चाहिए क्योंकि यहाँ पे मार्बल जो है गाइज वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हाँ वो रे मार्बल्स, वो रे मार्बल्स गाइज, वो रे हमारे मार्बल्स। ठीक है ये रे मार्बल हमारे। नीचे जाता हूँ मैं आराम से। एंड खतरा? कोई खतरा नहीं भाई, दबा के मार्बल दो मेरे को। भर भर के इन्वेंट्री फुल होने तक यहाँ से मार्बल इकट्ठा करके जाऊँगा। अभी मार्बल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मार्बल की वॉल जो है गाइस वो भी बन जाएगी, बट लावा रॉक्स का थोड़ा सा सीन हो जाएगा। उसके लिए ना मुझे भाई बहुत ज़्यादा गोल्ड चाहिए होगा। मैं एक काम करूँगा ना, इतना ज़्यादा गोल्ड जो है ना गाइस वो इकट्ठा करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। 6-7 राउंड तो मुझे कम से कम गाइस यहाँ पे मारने पड़ेंगे उस हमारे माइन के। ठीक है हमारे 2 माइन है, तो उन 2 माइन में से किसी भी माइन में जाके भाई यहाँ पे गोल्ड इकट्ठा करके लेके आ सकता हूँ। सो वहाँ के काफ़ी सारे राउंड मारने पड़ेंगे। तो एक काम करूँगा मैं जो गोल्ड है ना वो थोड़ा ऑफलाइन में इकट्ठा करके, जो वॉल्केनिक वाली वॉल है वो ऑफलाइन में बनाने के लिए डाल दूंगा। या तो मैं ऑफलाइन में गोल्ड इकट्ठा करके पिघला के रख दूंगा और अगले एपिसोड में हम लोग फिर यहाँ पे वॉल वगैरह बना के हमारा अंडरग्राउंड बेस बिल्डिंग का काम शुरू कर देंगे। ठीक है इजी पीजी बॉयज। कितने मार्बल है? 400 भाई, बहुत चाहिए, बहुत सारे मार्बल चाहिए भाई। 1000 प्लस तो चाहिए होगी। 2-3 हज़ार अगर मैं मार्बल यहाँ से उठा के भी लेके जा पाया तो सही रहेगा। अभी तक मेरी इन्वेंट्री जो है गाइस वो फुल हुई नहीं है। मैंने 500 लगभग मार्बल जो है गाइस वो उठा लिया है। नीचे काफ़ी ज़्यादा मार्बल है, सारा मार्बल निकाल लेता हूँ। इसी से हमारी जो है ना गाइस वॉल बनेगी और फाउंडेशन बनेगी, एकदम ओपी वाली होगी। मार्बल की शायद से फाउंडेशन, ये मार्बल की हम लोग ने कौन सी फाउंडेशन बनाने के लिए डाली है? नॉर्मल वाली या फिर वो स्टाइलिश वाली? वो भी मैंने देखा नहीं, मैं डायरेक्टली बनाने के लिए डाल के आ गया। 600 यहाँ से गाइस मैं मार्बल फटाफट से इकट्ठा करता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। ठीक है वो ड्यूड गाइस बर्फ पड़ने लगी यहाँ पे, ये कैसे हुआ भाई? बर्फ के रीजन से देख रहे हो, सारी का सारी जमीन जो है गाइस यहाँ की वो सफेद सफेद हो चुकी है भाई। ये डिटेलिंग काफी ज्यादा खतरनाक है भाई दवे, ये डिटेलिंग कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। लेकिन इससे हम लोग ये नहीं देख पा रहे कि कौन सा वाला रॉक जो है गाइस वो मार्बल है और कौन सा वाला रॉक जो है गाइस वो डर्ट है। मैं रैंडमली बस खुदाई करे जा रहा हूँ एंड यहाँ पे मार्बल ही निकल रहा है अभी तक तो, जिसको भी मैं तोड़ रहा हूँ। ओ ये निकल गया, स्नो भी मिल गया मुझे, तो फ्री में स्नो भी मिल गया बताओ। चलो यहाँ से भर भर के मार्बल स्नो वगैरह सब कुछ लेके चलेंगे हम लोग। मैंने अभी तक जो ना कि मेरे हिसाब से तो भाई 1-2 हज़ार मार्बल उठा लिया होगा ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे मुझे और ज़्यादा मार्बल चाहिए होगा वॉल के लिए, जो ना कि काफ़ी ज़्यादा मार्बल यहाँ पे लगेगा। हमारी जो वॉल है ना कि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी है, सो उसके लिए मुझे 2-3 हज़ार तो मार्बल की वॉल लगेगी और 2-3 हज़ार लगेगी हमको यहाँ पे लावा वाली जो है ना गाइस वॉल। रॉक है क्या नॉर्मल मार्बल का? फिर ओ मार्बल रॉक के पीछे। ठीक है चलो, मेरे हिसाब से अभी फिलहाल के लिए इतना मार्बल इनफ हो जाएगा। कितना है मार्बल ये भाई? बाकी चीज़ें फेंक दूँ मैं। 1000 प्लस तो भाई मार्बल मेरे पास आ चुका है भाई। ये वुल्फ कौन सा है? स्पिरिट वुल्फ भाई ऊपर दौड़ रहा है भाई, मेरे से पंगे लेने के लिए ना आ जाए बस वो। यहाँ से भाई 500-600 और मार्बल निकाल लेता हूँ, फिर हम लोग घर पे चलते सीधा। अरे रॉक लग गया सब नीचे। चलो कोई ना, इतने से काम चला लेंगे। और सामने की तरफ एक ड्रॉप भाई पड़ा हुआ है। अचानक से स्नो कहाँ से आ गई? पूरा का पूरा एरिया भाई स्नो भाई स्नो से ढक चुका है। ऐसे कैसे भाई? टेक ऑल, कल्टी मार लेता हूँ यहाँ से। रुको भाई, पता नहीं भाई पूरा ये देखो गाइस, ये जो मैजिक वाला हमारा बायम भी है वो भी स्नो से ढक गया भाई। ये सही है, देखना हर जगह पे स्नो ही स्नो पड़ी हुई है। चलो सही है, कोई ना, मैं अभी अपने घर पे जो ना गाइस ऑलमोस्ट पहुँचने वाला हूँ। घर पे चल के, ओ यहाँ पे कोई तो है, संभल के थोड़ा। घर पे चल के मैं और थोड़ी सी जो ना फाउंडेशन भी बनाने के लिए डालनी है अभी मुझे बनाने के लिए डालनी है यहाँ पे वॉल। ठीक है फाउंडेशन मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बन के रेडी हो चुकी होगी। 108 लेवल फीमेल पिटी, आर यू कॉमेडी मी? पट्ट से हेडशॉट।
इसको हेडशॉट तो बनता है भाई, इसको हेडशॉट तो बनता है। मजाक कर रही हूँ, इतनी ज्यादा हाई लेवल, कुछ ज्यादा ही नहीं गई थी, हाई लेवल हो गई। क्या हो गया, ठंड लग रही है क्या मुझे? ठंड के मारे मेरी जिंदगी झंड हो गई भाई, ठंड लग रही थी मुझे। रुको, उसके अंदर मीट डाल के 108 लेवल के पीटी को टेम कर लेता हूँ पहले तो मैं। 108 लेवल का पीटी है गाइज, देख रहे हो, और ऊपर से फीमेल मिली 108 लेवल की। सही है, रुको, इनको मार के थोड़ा सा मुझे लेदर चाहिए होगा ताकि मैं हमारे पीटी का जो है ना गाइस सैडल बना सकूं। पीटी सर, पीटी का सैडल बनेगा अभी, ये रहा पीटी का सैडल। चलो इसके अंदर थोड़ा मीट डाल दूं मैं, एक मीट खा के तो शायद से टेम हो जाएगा ये। हो जा भाई टेम, 108 लेवल का है तो 2-3 मीट भी खा सकता है, बोल नहीं सकते कुछ। डेकोरेशन का थोड़ा सा सामान भी मिला है मुझे, इसको लर्न कर लेता हूँ, और को इन चीज़ों को सबको लर्न कर लेता। ऑलरेडी रन लर्न क्या, तो ये मैं पहले से भाई लर्न कर चुका हूँ ड्रॉप। ठीक है पीटी भाई, जल्दी टेम हो जा। कितना फूड बार इसका डाउन हुआ, 50 फूड कितना हुआ है, 77। यार काफ़ी ज़्यादा फूड बार अभी तक इसका डाउन होना बाकी है। चलो हम लोग तब तक जो है ना गाइस मार्बल यहाँ पे क्राफ्ट करने के लिए बना के डाल के आते हैं। गोल्ड वगैरह जो है ना गाइस वो मैं ऑफलाइन में ही भाई इकट्ठा कर लूँगा। मार्बल, ये क्या बन रही है, मार्बल की वॉल फाउंडेशन बन गई क्या, फाइन मार्बल फाउंडेशन। वेट अ मिनट, फाइन ही बनानी थी ना। कंस्ट्रक्शन हट, ये क्या है, कंस्ट्रक्शन हट, गलत फाउंडेशन बना ली मैंने, ये बनानी थी फाउंडेशन यार, ये फाउंडेशन बनानी थी भाई, मैं गलत फाउंडेशन बना ली यार मार्बल की। ची भाई, मुझे लगाया था मैंने गलत फाउंडेशन बनाई है। 700, इतनों से काम बन जाएगा वैसे, इतनी भी नहीं चाहिए होगी। भाई साहब क्या ही बोले, हाय रे मेरी भाई फूटी किस्मत। जो वॉल बनाने के लिए लेके आया था मार्बल वो तो यहीं पे खत्म हो गया हमारा। 109 लेवल का गाइस हमारे पास फीमेल पीटी आ चुका है एक, इसको लेके हम चलते हैं सीधा हमारे बेस पे। ओ यस, इसका डैमेज तगड़ा जाएगा। ओ यस, 106 का डैमेज जा रहा भाई, 106 का डैमेज जा रहा, चल निकल लाड़ में आ रहा, 106 का डैमेज जा रहा है मेरी पीटी का पूरा बेस जो है गाइस जो मेरा पीटी से भर चुका है अभी। 112 लेवल का पीटी हो गया हमारा। चलो सो गाइस एक काम करता हूँ मैं, गोल्ड उसके बाद लावा रॉक उसके बाद मार्बल, ये सारी चीज़ें मैं ऑफलाइन में इकट्ठा करूँगा, क्योंकि वो ग्राइंडिंग करूँगा ना तो वो एक तरह से बोर एपिसोड बन जाएगा वो, इसलिए हम लोग ने आज मैक्सिमम चीज़ें तो बना ली है, कुछ कुछ चीज़ें बनाना बाकी है जो हम लोग आने वाले एपिसोड्स में यहाँ पे बनाएंगे। बाकी आज का ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, ऑफलाइन में सब कुछ मैं ग्राइंड करके रख दूंगा ताकि अगले एपिसोड में हमारे लिए थोड़ा सा आसानी हो। ठीक है, सो मिलते हैं सीधा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। जाते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। But it's too late now, I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get